एक आदमी जिसको गोली लगी हुई है यहाँ पे एडमिट है। इस सूचना पे पुलिस सक्रिय हुई और अस्पताल जा करके जब उसकी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं आ रहा था बड़ुआ गोदाम के पास से, और वहाँ किसी तीन आदमी ने जो मोटरसाइकिल पे सवार थे हमको गोली मार दी। पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो जहाँ ये रहते थे वहाँ गई, वहाँ की तलाशी ली तो वहाँ के कपड़ों में ब्लड लगा हुआ पाया गया। क्लियर हो गया कि जहाँ की घटना ये बता रहे हैं वहाँ से नहीं थी। वहाँ से दो आदमियों को पुलिस ने पकड़ा और उनके उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने पूरी घटना बताई कि घटना वहीं की है। इन दोनों आदमियों के पास से असलहे बरामद हुए हैं और ये पाया गया कि ये घटना, ये दोनों तीनों पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और प्राइवेट लाज में कमरा लेके रहते हैं, वहीं पे ये असलहे की टेस्टिंग कर रहे थे, उसी के दौरान फायर हुआ है और साहिल को गोली लगी है। इस तरह ये नहीं, ये छात्र रहते थे वहाँ, पढ़ाई करते थे, लेकिन ये अवैध असलहे भी रखे हुए थे और ये आपस में मित्र हैं, ये पुलिस की तफ्तीश से पता चला है। और इस तरह से ये घटना पूरी पूरी सामने आ गई। इस पे हम पूछताछ कर रहे हैं और जहाँ से लाए हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी उसका रहने वाले ये लोग हैं, यहीं के लोकल के हैं, एक सुल्तानपुर का रहने वाला है और एक जो है ये नंदगंज का रहने वाला है, जो दो लोग पकड़े हैं। हाँ, गाजी पढ़ाई कहाँ करते थे? ये पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, प्राइवेट लाज में कमरा लेके रहते थे। सर एक चाकू भी बरामद हुआ है दो, हाँ, इन्हीं के पास से रिकवरी में की गई। सर जो घायल है वो? नहीं, वो देखिए अभी तो वो इलाज करा रहा है, असलहे की रिकवरी अभी उसके जब ठीक हो जाएगा फिर हम प्रयास करेंगे कि उसके पास जो असलहा है वो रिकवर हो।